हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय स्टिचिंग डिजाइनर चैनल। आज मैं आप लोगों को 34 साइज की प्रिंसेस कट ड्राफ्टिंग एंड कटिंग करके दिखाऊंगी। इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं पहले फेब्रिक में काट करूँगी, बाद में मैं अस्तर में काट करूँगी। मैं पहले स्लिप काटूँगी, फिर बाद में मैं बैक पार्ट और फ्रंट सेट काटूँगी। तो मैंने पहले इसको क्या करती हूँ, फोर फोल्ड करके लेती हूँ। मैं दोनों स्लिप एक ही साथ में काटूँगी, तो इसलिए मैं फैब्रिक को फोर फोल्ड करके लूँगी। और ये मेरा स्लिप जो है वो थ्री क्वार्टर होगा, इसका थोड़ा लंबाई होगा, इसलिए मैं इसको फोर फोल्ड करके लिया। इसके बाद इसको मैं यहाँ से नापूंगी, तो मेरा जो स्लीप है इसका लंबाई मैं 13 इंच है, तो इसमें 1 प्लस करूँगी और मैं 14 इंच पे इसका निशान लगाऊंगी। 1 इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा, इसलिए मैं इसका लंबाई 14 इंच लिया। और यहाँ पे मैंने मेरा जो है फैब्रिक वो जैसा है वैसा ही रखना है, इसमें अलग से कपड़ा जोड़ने की जरूरत ही। और इसके बाद यहाँ से मैं इसका शेप दे देती हूँ, जैसे नॉर्मल स्लीव में कट करते हो ठीक वैसे ही इसका शेप दे दिया मैंने। इसके बाद यहाँ का गोलाई मापना है, यहाँ पे मेरा 9 इंच है, तो मैं 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और 2 इंच में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। इसके बाद यहाँ पे मैं 7.5 इंच लूँगी और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये मैंने निशान लगा लिया है, अभी इसका मैं काट कर अलग कर लूँगी। ठीक उसी तरह मैं अस्तर भी काटूंगी। तो मेरा स्लीव कट के रेडी है, इसके बाद मैं बैक पार्ट काटूंगी। यहाँ पे मैं सेंटर का निशान लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं फ्रंट साइड के आर्म होल की शेप दूंगी। तो मैं सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखूँगी और 1 इंच दबा के मैं फ्रंट साइड की आर्म होल की शेप दूंगी। तो मेरा शेप हो गया है, अभी मैं बैक पार्ट रेडी करूँगी। तो उसके लिए मैंने इसको डबल फोल्ड करके लूँगी। इसको अच्छे से मिला के डबल फोल्ड करके लिया है और मैं लंबाई लूँगी ब्लाउज की, जो बैक पार्ट है इसका लंबाई मैं 15 इंच लूँगी। पहले मैं इस साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको काट के अलग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं 15 इंच पे निशान लगाऊँगी। और शोल्डर मैं यहाँ से 7.5 इंच लूँगी, तो मैं 7.5 इंच पे निशान लगाती हूँ। ये मेरा शोल्डर का निशान है, उसके बाद निशानों को जोड़ दूंगी। फिर 6 इंच मैं आर्म होल लूँगी, ये प्रिंसेस कट है तो इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा करके लूँगी। फिर उसके बाद छाती लेना है, तो छाती मेरा 34 साइज़ की ब्लाउज है, तो 34 साइज़ को 4 से डिवाइड करने से 8.5 इंच होता है, तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा। फिर उसके बाद आर्मोल का शेप देना है, तो ये मैं 1 इंच में दिया। और इसके बाद यहाँ पे जितना होता है इससे हाफ इंच कम करके मैं नीचे का कमर का ग्याल लूँगी। तो ये मेरा बिग पार्ट रेडी है, अभी मैं नेक ड्रॉ करूँगी। तो नेक के लिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाऊँगी और नीचे भी मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से नीचे की तरफ 2.5 इंच, इधर से भी 2.5 इंच। तो इसमें मैं गोलाई का शेप दे देती हूँ। तो ये मेरा बैक पार्ट बन के रेडी है, अभी मैं इसको काट के अलग कर लूँगी। इसके बाद मैं फ्रंट साइड काटूंगी, तो फ्रंट साइड के लिए मैं इसको डबल फोल्ड करके लिया है और इसकी लंबाई मैं 15 इंच लूँगी, यहाँ से 15 इंच।
इसके बाद शोल्डर लेना है, शोल्डर भी मैं 7.5 इंच लूँगी। और इसके बाद मुझे आर्म होल लेना है, यहाँ से मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो इसको निशानों को जोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद मैं नेक ड्रॉ करूँगी। तो नेक में 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे की तरफ मैं थोड़ा डीप रखूँगी, तो इसीलिए मैं 6 इंच पे निशान लगाऊँगी। अभी मैं इसमें एक गोलाई का शेप दूंगी, आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकती हो। मैं यहाँ पे गोलाई का शेप दूंगी, थोड़ा अंदर की तरफ रख दे के मैं गोलाई का शेप दूंगी। इसके बाद मैं बीच में एक निशान लगाऊंगी और नीचे की तरफ, उस निशान से नीचे की तरफ मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। फिर उसके बाद यहाँ से मैं 3.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और इधर से मैं 4 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। तो ये फ्रंट साइड के आर्म होल है, तो इसलिए मैं 1 इंच पे निशान लगाया और अंदर की तरफ दबा के थोड़ा मैं आर्म होल का शेप दे दिया। फिर उसके बाद बैक पार्ट को इसके ऊपर रख के मैं इधर का निशान लगा लेती हूँ। तो ये मेरा, इसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें 1 इंच बढ़ा के एक निशान लगाना है, क्योंकि ये सिलाई में दब जाएगा, तो इसलिए मैं 1 इंच बढ़ा के इसमें लूँगी। तो मैंने 1 इंच बढ़ा के ले लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये 5.5 इंच को मैं यहाँ से यहाँ तक घुमा के एक गोल राउंड शेप दे दूँगी। तो मैं तीनों निशानों को एक साथ में मिला लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1.25 इंच और यहाँ पे 1.25 इंच में एक निशान लगाना है। तो ये तीनों निशानों को मैं एक साथ में जोड़ देती हूँ। तो ये मेरा प्रिंसेस का ड्राफ्टिंग हो गया है। ये मेरा प्रिंसेस का ब्लाउज ड्राफ्टिंग हो गया है। इसके बाद मैं जैसे निशान लगाया ठीक वैसे ही काट कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये मेरा प्रिंसेस कट बूट नेक में है। तो मैं अगले वीडियो में इसका स्टिचिंग बताऊंगी। मैंने फैब्रिक को जैसे जैसे कट किया है ठीक वैसे वैसे है, वैसे वैसे ही मैं अस्तर भी काट करूँगी। अभी मैं इसको काट नहीं करूँगी, अस्तर के साथ एक साथ मैं काट करूँगी। ये मैंने अस्तर लिया है, इसके ऊपर बैक पार्ट को रख के एक ही साथ में बैक पार्ट की अस्तर भी काट कर लूँगी। इसको अच्छे से मिला के रखना है। फिर उसके बाद इसको मैं काट के अलग कर लूँगी। ये प्रिंसेस कट बैक पार्ट पे ओपन रहेगा और फ्रंट साइड से जॉइन रहेगा। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए कि कैसे मैं इस बूट नेक को, प्रिंसेस कट ब्लाउज को डिज़ाइन में, बैक पार्ट में डिज़ाइन बिठाती हूँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। अभी मैं फ्रंट साइड काटूँगी, तो उसको भी मैंने अस्तर को डबल फोल्ड कल कर दिया है। फिर उसके बाद फैब्रिक को इसके ऊपर रख के जैसे जैसे मैंने काट किया ठीक वैसे ही इसको काट के पहले अलग कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से काटूंगी। फिर उसके बाद इधर से काटना है। तो मैंने काट के अलग कर लिया है। ये मेरा प्रिंसेस कट बूट नेक ब्लाउज कट के रेडी है।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट करना मत भूलिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।